दोस्तों आपके फ़ोन में कैलकुलेटर लॉक एप्लीकेशंस ओपन नहीं हो रही है तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके भी फ़ोन में कैलकुलेटर लॉक एप्लीकेशंस ओपन नहीं हो रही है दोस्तों अगर आप भी इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर एप्लीकेशंस को ओपन करना है। दोस्तों जैसे प्ले स्टोर एप्लीकेशंस ओपन करेंगे आपको सिंपली यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है कैलकुलेटर लॉक एप्लीकेशंस। दोस्तों जैसे सर्च करेंगे आपके सामने ये एप्लीकेशंस आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि कैलकुलेटर लॉक एप्लीकेशन यहाँ पर अगर अपडेट मांग रही है तो यहाँ से ओपन की जगह आपको अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको एप्लीकेशन अपडेट कर लेनी है। और दोस्तों अपडेट नहीं मांग रही है और अपडेट मांग रही है उसके अपडेट करने के बाद एप्लीकेशन आपने ओपन की है फिर भी एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है तो आपको सिंपली दोस्तों क्या करना है, सिंपली आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। दोस्तों जैसे आप अपनी फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेंगे उसके बाद में सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप्स का। सिंपली आपको ऐप इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ऐप इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसमें आपको सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप मैनेजमेंट का। ऐप मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ऐप मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, कैलकुलेटर लॉक एप्लीकेशंस के ऊपर यहाँ से आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि कैलकुलेटर लॉक एप्लीकेशंस यहाँ पर है तो मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों आपको सिंपली कैलकुलेटर लॉक एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे यहाँ पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पर कैलकुलेटर लॉक एप्लीकेशंस इस प्रकार से आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोरेज का, आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कलर स्टोर का, सिंपली आपको कलर स्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर कलर स्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने से दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कलर स्टोर करके रखा है। दोस्तों यहाँ पर कलर स्टोर करने से आपको क्या फ़ायदा है कि आपके कैलकुलेटर लॉक एप्लीकेशंस का जो भी यहाँ पर डाटा रहेगा, जो भी यहाँ पर वायरस रहेंगे वो यहाँ पर एकदम डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद में आपके फ़ोन में कैलकुलेटर लॉक एप्लीकेशंस यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके भी फ़ोन में कैलकुलेटर लॉक एप्लीकेशंस ओपन नहीं हो रही है तो आप भी इस प्रॉब्लम को इस प्रकार यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करना या शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद वंदे मातरम।